नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आप अपने डीमैट अकाउंट को मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स के साथ लिंक कर सकते हैं? दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप एक ही ब्रोकर के साथ मल्टीपल ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट्स नहीं खोल सकते? इसके अलावा दोस्तों, जो भी नॉमिनेशन डिटेल्स आप अपने डीमैट अकाउंट में फिल करते हैं, क्या आपको मालूम है कि डीमैट अकाउंट ऐसा इकलौता फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसके अंदर नॉमिनेशन जो है वो विल को सुपरसीड करता है? तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट जानकारी डीमैट अकाउंट से संबंधित है जिसके बारे में आम निवेशकों को नहीं पता होता जिन्होंने डीमैट अकाउंट खुलवाया होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हम हमेशा अपनी पूरी जिंदगी जो हमारा हार्ड अर्न पैसा होता है उसको किस तरीके से निवेश करें, उससे हम किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकें, केवल उसके अंदर व्यतीत कर देते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं इसके फीचर्स क्या हैं, क्या ऐसी बातें हैं जिसके बारे में शायद हमें नहीं मालूम। हो सकता है इन बातों की वजह से या इन फीचर्स की वजह से आने वाले समय में हमें कुछ दिक्कत उठानी पड़े या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, यहां पे आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा डीमैट अकाउंट के बारे में जिनके बारे में आम निवेशकों को नहीं मालूम होता। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप भी फ्री में स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकें। जो भी जानकारी आपको पेड कोर्सेज के अंदर 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपये की फीस लेके दी जाती है उससे 1000 गुना बेहतरीन जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो दोस्तों, सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, के साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। तो दोस्तों, यहां पे डीमैट अकाउंट से संबंधित 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो फैक्ट्स हैं ये बेसिकली मैंने जो व्यूअर्स की क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन के अंदर उसके बेसिस के ऊपर कलेक्ट किए हैं, क्योंकि यहां पे मुझे काफी सारी क्वेरीज मिलती रहती हैं डीमैट अकाउंट से संबंधित। कुछ लोगों को कुछ लीगल इश्यूज आते हैं, कुछ दर्शकों को नॉमिनेशन से संबंधित इश्यूज आते हैं। तो दोस्तों, उन सभी क्वेरीज को मैंने इकट्ठा करके इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ऐसे 7 अननोन फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जिनकी सहायता से आप अपने डीमैट अकाउंट को और सिक्योर और उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन चीजों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। 7 फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इन 7 फैक्ट्स को ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आता है जिससे काफी लोगों को परेशानी होती है वो है दोस्तों कि डीमैट अकाउंट की नॉमिनेशन फैसिलिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीमैट अकाउंट इकलौता ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो भी नॉमिनेशन डिटेल्स आप एंटर करते हैं डीमैट अकाउंट के अंदर वो विल को सुपरसीड करता है। तो दोस्तों, यहां पे एग्जांपल के तौर पे जो क्वेरी मुझसे पूछी गई थी, एक दर्शक हैं उनके पिताजी ने अपने डीमैट अकाउंट के अंदर अपने ब्रदर को नॉमिनेट कर दिया, लेकिन दोस्तों उन्होंने जब विल बनाई तो उन्होंने उसके अंदर लिखा कि जो उनके बेटे हैं जो के व्यूअर हैं इस चैनल के वो जो है बेनिफिशियरी होंगे उस पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट के। अब दोस्तों, यहां पे उनके पिताजी ने जितनी भी कमाई की पूरी जिंदगी के अंदर उन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा निवेश किया हुआ था, मतलब उनकी 70-75% की कमाई डीमैट अकाउंट के अंदर थी। तो वहां पे क्या हुआ कि जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो वहां पे डीमैट अकाउंट के अंदर जितने भी शेयर्स थे वो उनके पिताजी के भाई के नाम पे ट्रांसफर कर दिए गए। तो दोस्तों, इस चीज को चैलेंज किया जो व्यूअर हैं इस चैनल के, लेकिन वो कोर्ट के अंदर केस हार गए, वो हाई कोर्ट तक गए, वहां पे भी केस हार गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस वो हार गए, क्योंकि दोस्तों यहां पे बिल्कुल क्लियर है कि डीमैट अकाउंट के अंदर जो भी नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है वो लीगल बेनिफिशियरी होता है उस पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट का, जबकि ऐसा दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में नहीं होता। एग्जांपल के तौर पे अगर आप बैंक अकाउंट की बात करें
वहां पे दोस्तों अगर जो भी नॉमिनी है वो केवल कस्टोडियन है उस पर्टिकुलर अकाउंट का, मान लीजिए मेरे बैंक अकाउंट का नॉमिनी कोई पर्सन ए है, लेकिन मैं अपनी विल के अंदर किसी पर्सन बी को उसका बेनिफिशियरी बना देता हूं, उस सेविंग्स अकाउंट का बेनिफिशियरी बना देता हूं, तो दोस्तों पैसा जो है वो पर्सन बी को ही मिलेगा, पर्सन ए केवल कस्टोडियन है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए मैं डीमैट अकाउंट के अंदर नॉमिनी पर्सन ए को बनाता हूं, विल के अंदर मैं लिखता हूं कि पर्सन बी जो है वो मेरे डीमैट अकाउंट का बेनिफिशियरी है, यहां पे दोस्तों नॉमिनेशन जो है वो विल को सुपरसीड कर देगा और जो सारे शेयर्स हैं डीमैट अकाउंट के अंदर वो पर्सन ए को मिल जाएंगे। तो दोस्तों नॉर्मली जब भी हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं वहां पे हम इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते कि हम किसको नॉमिनी बना रहे हैं, या कल को मान लीजिए मैं अपनी विल बनाने की सोचता हूं तो वहां पे अगर मुझे नहीं मालूम इस फैक्ट के बारे में, मान लीजिए मैं नॉमिनी किसी और को बनाया लेकिन मैं चाहता हूं कि बेनिफिशियरी कोई और हो, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नॉमिनी जो है डीमैट अकाउंट के अंदर वो लीगल बेनिफिशियरी है, जितने भी शेयर्स उस डीमैट अकाउंट में है वो सारे पर्सन ए को मिल जाएंगे जो कि मेरा नॉमिनी है डीमैट अकाउंट का। अगर मैं विल में लिखूं भी कि पर्सन बी को मिलने चाहिए, पर्सन बी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि आप डीमैट अकाउंट के अंदर किसको नॉमिनेट कर रहे हैं। अगर आपने किसी को भी नॉमिनेट किया है और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, अपने नॉमिनी को आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या हम मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स खोल सकते हैं या मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स खोल सकते हैं, तो दोस्तों यहां पे दिक्कत ये होती है कि जब भी आप इस सवाल का जवाब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं आप सबसे पहले अपने ब्रोकर से पूछते हैं और आपका ब्रोकर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में जवाब देता है कि नहीं, आप मल्टीपल ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट्स नहीं खोल सकते। देखिए दोस्तों ब्रोकर अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहां पे आप मल्टीपल ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट्स बिल्कुल खोल सकते हैं, लेकिन अलग अलग ब्रोकर्स के साथ, एक ब्रोकर के साथ नहीं। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ब्रोकर ए के पास है, लेकिन आप उसी ब्रोकर के पास दूसरा ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। आप किसी दूसरे ब्रोकर के साथ अपना ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों आपके ब्रोकर ने जो आपको जानकारी दी वो बिल्कुल सही है कि आप उसी ब्रोकर के साथ, सेम ब्रोकर के साथ मल्टीपल ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते। लेकिन यहां मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगा, जो भी दर्शक मुझसे पूछते हैं कि क्या हम मल्टीपल ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जी हां बिल्कुल खोल सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे ब्रोकर के साथ। अब दोस्तों यहां पे एक तीसरा जो सवाल मुझसे पूछा जाता है कि मान लीजिए हमें लोन की जरूरत है तो हम किस तरीके से अपने शेयर्स के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे दर्शकों को जानकारी नहीं होती। मान लीजिए आपके पास कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं अपने डीमैट अकाउंट में, जिस तरीके से प्रमोटर, कंपनी के प्रमोटर उन शेयर्स को प्लेज करके कुछ पैसा उठा सकते हैं मार्केट से, उसी तरीके से आप भी अपने शेयर्स को प्लेज करके लोन ले सकते हैं उनके अगेंस्ट, और जो भी आपके शेयर्स हैं दोस्तों वो आपके कोलैटरल हो जाएंगे उस पर्टिकुलर लेंडर के पास। तो दोस्तों कई बार हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, हमारा पैसा निवेशित होता है, तो कुछ दर्शक क्या करते हैं कि अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं जबकि वो बेचना नहीं चाहते, उनके पास काफी अच्छे स्टॉक्स होते हैं। तो यहां पे दोस्तों सबसे आसान तरीका और सिंपल तरीका है कि आप उन स्टॉक्स को प्लेज कर दीजिए, उसके अगेंस्ट लोन ले लीजिए, और जब आपको पैसे की जरूरत ना हो या जब आपके पास सफिशिएंट पैसे हो उस लोन को चुकाने के, तो आप उन शेयर्स को दोबारा गिरवी जो रखे हुए शेयर्स हैं उनको छुड़वा सकते हैं। लेकिन आपको यहां पे अपने निवेश को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मान लीजिए आप प्लेज करते हैं। तो यहां पे काफी दर्शकों के मन में सवाल होता है कि प्रमोटर्स अगर अपने शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं तो क्या हम भी अपने शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं? जी हां बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। आपको केवल ये देखना पड़ेगा कि कौन सा लेंडर आपको ये फैसिलिटी दे रहा है। दोस्तों यहां पे चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि आप अपने डीमैट अकाउंट को फ्रीज या लॉक कर सकते हैं। अब दोस्तों इस फीचर का इस्तेमाल तब किया जा सकता है अगर आपको मान लीजिए ऐसा शक है कि आपके डीमैट अकाउंट का मिसयूज हो सकता है, या मान लीजिए आप कोई ऐसा निवेश कर रहे हैं जो कि बहुत लंबी अवधि का निवेश है, आपको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के अंदर उन स्टॉक्स को बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप उन स्टॉक्स की सेफ्टी के लिए या अपने डीमैट अकाउंट की सेफ्टी के लिए, कई लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं इनहेरिटेंस के लिए, तो वो अपने पीछे शेयर्स को छोड़ के जाते हैं एज एन एसेट। तो दोस्तों यहां पे अगर आप चाहते हैं कि इस अकाउंट का मिसयूज ना हो तो वहां पे आप फ्रीज या लॉक फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज या लॉक फैसिलिटी के अंदर क्या होता है दोस्तों कि आप कुछ सिलेक्ट
सिलेक्टेड स्टॉक्स या पूरे डीमैट अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। आपको एक फ्रीज इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी अपने ब्रोकर को। उसके बाद क्या होगा कि उस अकाउंट में से ना तो शेयर्स बेचे जा सकेंगे, ना ही उस अकाउंट के अंदर कोई शेयर क्रेडिट होगा। तो अब आप सोचेंगे नहीं, अगर हमें मान लीजिए खरीदना है तो यहां तो दिक्कत का काम है। तो दोस्तों यहां पे एक और फैसिलिटी दी जाती है जहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो फ्रीज है पूरे अकाउंट के ऊपर या कुछ स्टॉक्स के ऊपर, आप डेबिट पे लगाना चाहते हैं, क्रेडिट पे लगाना चाहते हैं। तो डेबिट का मतलब दोस्तों कि उस अकाउंट में से कोई भी शेयर बेचा नहीं जा सकेगा, क्रेडिट मतलब कि उस अकाउंट के अंदर कोई भी शेयर नहीं आएगा। तो नॉर्मली अगर मान लीजिए दोस्तों आप चाहते हैं कि कोई भी उस अकाउंट में से कोई भी शेयर ना बेचा जाए, तो आप डेबिट के ऊपर फ्रीज लगा दीजिए पूरे अकाउंट के ऊपर, और यहां पे क्रेडिट की फैसिलिटी हमेशा रहेगी। आप जो भी शेयर्स खरीदते जाएंगे वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होते जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छा फीचर है, मैंने पर्सनली इसका इस्तेमाल किया हुआ है पास्ट के अंदर। तो दोस्तों जब भी मुझे कोई ऐसा स्टॉक लगता है जिसको मुझे 4-5 साल के लिए होल्ड करना है या मुझे अभी शायद बेचने की जरूरत नहीं है, फिलहाल ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है, पास्ट के अंदर मैंने अपने अकाउंट के ऊपर फ्रीज लगाया हुआ था डेबिट के ऊपर, क्योंकि मुझे वहां पे डाउट होता था, उस समय डीमैट अकाउंट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती थी। लेकिन ये फीचर काफी समय से अवेलेबल है। अगर आपको ये भी डाउट है कि आपके अकाउंट का मिसयूज हो सकता है, तब भी आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे आप एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आप अपने अकाउंट पे फ्रीज लगा रहे हैं या लॉक लगा रहे हैं, तो वहां पे आप एक्सपायरी डेट जब डाल देंगे, मान लीजिए मैंने एक्सपायरी डेट डाल दी 1 जनवरी 2021, तो उस दिन क्या होगा कि वो अकाउंट अपने आप अनफ्रीज हो जाएगा। तो अगर आप एक लिमिटेड पीरियड के लिए फ्रीज करना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है जहां पे आप एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर आपका अकाउंट अपने आप अनफ्रीज कर दिया जाएगा, आपको अनफ्रीज इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप एक्सपायरी डेट नहीं भी डालते तो आप अपने अकाउंट को कभी भी अनफ्रीज कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन देके। आप अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दीजिए, अपने डिपॉजिटरी को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि इस अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए, तो वो अनफ्रीज हो जाता है। ये कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, हमें लगता है कि बहुत परेशानी वाला काम है, लेकिन दोस्तों अगर आपने किसी छोटे ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खोला हुआ है तो वहां पे मेरी पर्सनल सजेशन यही रहेगी, क्योंकि आप काफी सारे ऐसे फ्रॉड के केसेस देखते हैं कि पीओए का गलत इस्तेमाल होता है, आपके स्टॉक्स को बेच दिया जाता है आपके बिना इजाजत के। कई दर्शक मुझे कमेंट्स के द्वारा लिखते हैं कि हमारे डीमैट अकाउंट से स्टॉक्स गायब हो गए। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी कोई भी शंका है, ऐसा कोई भी डाउट है, तो वहां पे आप फ्रीज या लॉक इन फीचर का इस्तेमाल करके अपने डीमैट अकाउंट को लॉक कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे पांचवें नंबर का पॉइंट आता है कि आप केवल एक डीमैट अकाउंट ओपन करके उसको मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स के साथ लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एक फुल सर्विस ब्रोकर के साथ, दूसरा अकाउंट खोलना चाहते हैं आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ, तो वहां पे आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक डीमैट अकाउंट खुलवाइए और उसको आप मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे परेशानी ये आती है कि जब भी आप मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपका ब्रोकर हमेशा इंसिस्ट करेगा कि आप उनके साथ भी डीमैट अकाउंट खुलवाइए। तो वो कभी भी ऐसा अलाउ नहीं करता नॉर्मली कि आप किसी दूसरे डीमैट अकाउंट के साथ उनके ट्रेडिंग अकाउंट को लिंक करें। यहां पे काफी दर्शक इसके बारे में मुझसे क्वेरी पूछते हैं। दोस्तों अगर हम स्टैट्यूटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहां पे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप इंसिस्ट करें तो उस ब्रोकर को आपके एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट के साथ, जो कि डीमैट अकाउंट आपके न्यू ब्रोकर के साथ नहीं है, मतलब आपका एक एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट है, आप एक नया ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहे हैं, तो आप एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट को ही नए ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। आपका ब्रोकर मना नहीं कर सकता। अगर वो मना कर रहा है तो आप किसी और ब्रोकर के पास जाके इसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका नया ब्रोकर मना कर रहा है कि वो एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट के साथ लिंक नहीं करेगा, आपको एक नया डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तो आप किसी और ब्रोकर के पास जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे ब्रोकर्स हैं जो कि आपके एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट के साथ अपना नया ट्रेडिंग अकाउंट लिंक कर देंगे, तो वहां पे आपको नया डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए डीमैट अकाउंट आपका ब्रोकर ए के साथ है, आपने दो नए ट्रेडिंग अकाउंट खोले ब्रोकर बी और ब्रोकर सी के साथ, तो आपके जो तीनों ट्रेडिंग अकाउंट हैं वो केवल एक ही डीमैट अकाउंट के साथ लिंक होंगे,
उससे आपको अपने अकाउंट को ट्रैक करने में बहुत मदद मिलेगी। मल्टीपल डीमैट अकाउंट होना एक हैसल की बात होती है, तो वहां पे आप ट्रैक नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपके तीनों ट्रेडिंग अकाउंट एक डीमैट अकाउंट के साथ लिंक हो जाए तो वहां पे आपको बहुत सहूलियत होगी। वहां पे आप डिस्काउंट ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर या जो भी ब्रोकर्स आपको पसंद है, हर एक के साथ अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, ब्रोकरेज को बचा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे मैंने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था जिसके अंदर मैंने कंपैरिजन किया था फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर के बीच, तो आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने उनके फायदे बताए थे कि दोनों के अपने क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। दोस्तों यहाँ पे छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आप अपने डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल लंबी अवधि तक नहीं करते तो दोस्तों वहां पे आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है बैकएंड से, तो जब भी आप उसका इस्तेमाल करना चाहें फ्यूचर में, आपको पूरी केवाईसी फॉर्मेलिटीज दोबारा करनी पड़ती हैं। अब दोस्तों ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, यहां पे ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, अगर आप अपने ब्रोकर को बोलेंगे कि हमें ये अकाउंट बंद करना है, तो आपका ब्रोकर हमेशा आपको एक ही सलाह देगा कि आप इस अकाउंट को ओपन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। नॉर्मली आपको ऐसा बताया जाएगा, आपका ब्रोकर हमेशा आपको डिस्करेज करेगा कि आप उनके साथ जो भी डीमैट अकाउंट है उसको क्लोज करें। लेकिन दोस्तों यहां पे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप उस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उस अकाउंट को जरूर बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उस डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल लंबी अवधि तक नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा और बाद में आपको बंद करने में शायद दिक्कत आए, क्योंकि आपको पहले उसको अनफ्रीज कराना पड़ेगा, पूरा केवाईसी दोबारा करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। तो दोस्तों पर्सनली मैंने बहुत सारे डीमैट अकाउंट यूज किए हैं, लेकिन मैं जब भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो मैं वहां डेफिनेटली उस अकाउंट को बंद कर देता हूं, क्योंकि मैं इस तरह की प्रॉब्लम आने वाले समय में नहीं चाहता। तो दोस्तों जो भी मेरे डीमैट अकाउंट इस समय एक्टिव है, मैं उनका एक्टिवली इस्तेमाल करता हूं। अगर मान लीजिए कल को मुझे लगता है कि मुझे ये डीमैट अकाउंट इस्तेमाल नहीं करना, तो मैं वहां प्रेफर करूंगा कि मैं उसको बंद कर दूं, ना कि वो चलता रहे। लेकिन आपका ब्रोकर हमेशा आपको कहेगा इसको चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आप दोबारा इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो मेरा यहां पे यही सजेशन है कि अगर आप किसी भी डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको आप बंद कर दीजिए, उसको एक्टिव मत रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप उसका कुछ समय तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो अकाउंट अपने आप फ्रीज हो जाएगा। दोस्तों यहां पे सातवां और आखिरी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको डीमैट अकाउंट के चार्जेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती। तो दोस्तों यहां पे अगर हम छठे पॉइंट का ही एग्जांपल कंटिन्यू करें, अगर मान लीजिए आपको डीमैट अकाउंट बंद करना है, तो वहां पे अगर आपको बताया जाए कि यहां पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो पॉइंट ये होता है कि अगर आप कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो वहां पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लग रहा, जिसको ट्रेडिंग चार्जेस कहते हैं। लेकिन हर एक डीमैट अकाउंट के साथ एक एनुअल फी लिंक्ड होती है, एक एनुअल चार्जेस होते हैं जो कि आपको डेफिनेटली लगेंगे। तो मैंने यहां पे पाया है दोस्तों कमेंट सेक्शन के द्वारा कि वहां पे काफी सारे दर्शकों को एनुअल चार्जेस के बारे में जानकारी नहीं होती। दोस्तों उसके बारे में आपको इसलिए नहीं पता लगता क्योंकि जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं, आप जो भी सिग्नेचर करके देते हैं अपने ब्रोकर को, वहां पे आप उनको ऑथराइज कर देते हैं कि जो भी डीमैट अकाउंट के चार्जेस हैं, चाहे वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हो या ट्रेडिंग चार्जेस हो, वो ब्रोकर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में से डिडक्ट कर सकता है। तो वहां पे काफी सारे दर्शक जो हैं, जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको इतने ध्यान से नहीं देखते, आपको शायद कभी मालूम ही नहीं चलेगा कि आपके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी डिडक्ट हो रहे हैं। यही कारण है कि ब्रोकर आपको इंसिस्ट करेगा कि आप डीमैट अकाउंट भी उनके साथ खोलिए, और वो कभी भी आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं, अगर आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं भी है, जैसा कि मैंने आपको पीओए वाले वीडियो में भी बताया था, लेकिन ब्रोकर आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप बिना डीमैट अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, क्योंकि वहां पे उनको चार्जेस मिलते हैं, डीमैट अकाउंट के ट्रेडिंग चार्जेस होते हैं, उसके अंदर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, और लेकिन ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका पूरा कंट्रोल होता है आपके अकाउंट के ऊपर, क्योंकि दोस्तों पीओए के द्वारा ब्रोकर आपकी सिक्योरिटीज को बेच सकता है। उनके लिए बहुत आसान होता है अगर डीमैट अकाउंट भी उनके साथ है, अकाउंट को ऑपरेट करना उनके लिए बहुत आसान होता है, इसलिए ब्रोकर कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी दूसरे ब्रोकर का डीमैट अकाउंट या किसी दूसरे डिपॉजिटरी का डीमैट अकाउंट वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक करे। लेकिन यहां पे आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चार्जेस जो है दोस्तों
300 रुपए से 1000 रुपए कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि जो भी 7 फैक्ट्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं या 7 इंपॉर्टेंट बातें जो इस वीडियो के अंदर बताई हैं, काफी सारे ऐसे दर्शक हैं जिनको इनके बारे में शायद जानकारी नहीं होगी। मेरे हिसाब से दोस्तों जो नॉमिनेशन वाला पॉइंट है या जो फ्रीज वाली फैसिलिटी है या मल्टीपल ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट वाले पॉइंट्स हैं, ये 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको डेफिनेटली जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपना निवेश हैसल फ्री तरीके से कर सकें। काफी दर्शकों की रिक्वायरमेंट होती है मल्टीपल ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट की, तो वो जानकारी के अभाव के अंदर वो अपना मल्टीपल ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट नहीं ओपन कर पाते। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक आइकन को जरूर क्लिक करें। इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जरूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया था। इसके अंदर मेरी आपको कोई भी सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी तरह का निवेश करें स्टॉक मार्केट में। किसी भी निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।